हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल। और अमाया और मैं अभी नींद से उठने के बाद हम दोनों का ये मॉर्निंग रिचुअल है एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना। मोस्टली अमाया संबित के साथ स्पेंड करती है, आज मेरे साथ कर रही है। और अभी हम लोग आज जाएंगे घर देखने, घर में कितना काम हुआ है, कितना बाकी है, वो सब कुछ देखने जाना है। तो इसीलिए मैं जल्दी से उठ गई आज, और मैं और अमाया थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके उसके बाद रेडी होके खाना खा के फिर निकलेंगे। अमाया को भी खाना है। तो अभी हमारे कंस्ट्रक्शन साइट में आ चुके हैं जो बन रहा है उस वाले घर में। दिस इज द स्टेज राइट नाउ, आप देख सकते हो। स्टडी का ममायास रूम, सो देयर वी हैव द स्टडी टेबल एंड अ स्मॉल सेटिंग where one person can comfortably sit. The guest bedroom. So यहाँ पे loft लगाने बाकी है, यहाँ पे एक mirror और dressing unit आएगा, so ये बाकी है। borders आएंगे, टीवी यूनिट आएगा, यहाँ पे पार्टीशन आएगा, यहाँ पे एक मिरर, फैंसी वॉल डेकोरेशन आएगा और एक वार्डरोब आएगा नीचे वाला। सो इज द किचन, किचन में भी लॉफ्ट बाकी है, बाकी सब ऑलमोस्ट हो चुका है। दिस इज द टॉल यूनिट और माइक्रोवेव की जगह है यहाँ पे, यहाँ पे बिगर बास्केट्स आएंगे। जबरदस्त चिमनी आएगा यहाँ पे और टाइल्स आएंगे पीछे ऊपर लॉफ्ट, ये एक्वा का जगह है। सो हमारे फ्लैट में, मैं एक दूसरा फ्लैट आप लोगों को दिखा रही हूँ। दिस इज अ 2 BHK। सो ये लिविंग है, लिविंग कम डाइनिंग। ओके, यहाँ पे बालकनी है। सो ये एक छोटी सी जगह है जहाँ पे आप वॉशर बेसिन वगैरह लगा सकते हो। ये एक कॉमन बाथरूम है इनका, ये बेसिन की जगह, नॉर्मल जो लेआउट है, ये ड्राई एरिया, वो वेट एरिया। ये एक इनका बेडरूम है, एक बेडरूम है, ये 10x11 साइज़ के बेडरूम है। ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, नॉर्मल। ये इनका किचन है, दिस इज द किचन, 2 BHK का किचन। और ये इनका यूटिलिटी है, ये कॉमन पैसेज दिखा जा रहा है यूटिलिटी से। यहाँ पे ऑब्वियसली कोई दरवाजे, मतलब खिड़की वगैरह आएंगी, ये डक्ट एरिया है और ये बाहर। सो दिस इज द यूटिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बिल्डर, टाइल्स वगैरह सारा। और अभी चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। दिस इज द मास्टर बेडरूम, सेम ही है लेआउट मास्टर बेडरूम का, हमारे जैसा सेम लेआउट है। 12x14 है मास्टर बेडरूम का साइज, सेम लेआउट। और ये है मास्टर बेडरूम के साथ ऑन स्वीट या अटैच बाथरूम। दिस इज द वेट एरिया, दिस इज द ड्राई एरिया। ये खिड़की हमारे में भी है। और ये है बालकनी, जो कॉमन बालकनी है, दोनों साइड से कनेक्ट करती है। यहाँ से ये है व्यू, ये है बालकनी। 2 BHK की भी सेम बालकनी है हमारे जैसी, ये मास्टर बेडरूम के साथ ये बालकनी यहाँ से कनेक्ट होती है। और ये
ड्राइंग डाइनिंग के साथ। सिर्फ यहाँ पे हमारा जगह है प्लांट्स रखने का, यहाँ पे नहीं है, तो ये थोड़ा सा उस साइड में छोटा है हमारा, थोड़ा सा इससे बड़ा है। तो गाइस ये था 2 BHK की, सेम हमारे ही फ्लोर में लेआउट। और आप लोगों को पसंद आया या कोई इंक्वायरी है तो कमेंट में ज़रूर पूछना, ठीक है। तो गाइस हम लोग घर आ चुके थे, उसके बाद अमाया को नहलाया खिलाया और बहुत सारे मस्ती किया, खेला कूदा। और अभी मैम अमाया और सिंजर हम तीनों थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग अभी सो जाएंगे क्योंकि अमाया का खाना बना खत्म है। तो अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। बाय, सी ब्लेस।